हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? क्या आप सब मुझे देख पा रहे हो और मुझे सुन भी पा रहे हो ना? यस। तो आप सब मुझे बताओगे कि आप देखने में बॉडी का कौन सा पार्ट यूज कर रहे हो? आप अपनी आईज यूज कर रहे हो और मैम को सुनने के लिए क्या यूज कर रहे हो? अपने ईयर्स। और मैम ने जब हाय बोला तो कौन सा पार्ट यूज किया? हैंड। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट बॉडी पार्ट्स। हमारा आज का चैप्टर है आर बॉडी। आर बॉडी। अगर सब्जेक्ट इज ईवीएस एंड डेट 23 अप्रैल 2020 एंड डे इज थर्सडे। बच्चों, आर बॉडी पार्ट्स, यू हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारे बहुत सारे शरीर के अंग होते हैं जिनसे हम अपना अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि आपने अपनी पहली क्लास में एक पोयम सुनी होगी, कैसे टू लिटिल हैंड्स टू क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल लेग्स को टैप टैप टैप, टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड, वन लिटिल हेड गो साइड टू साइड। तो हमें ये सब करने के लिए क्या यूज हो रहा है? हमारे बॉडी के पार्ट्स यूज हो रहे हैं। जैसे कि क्लैप करने के लिए हैंड्स का यूज हो रहा है, टैप करने के लिए लेग का यूज हो रहा है। दिस इज अवर आईज। आईज से क्या कर रहे हैं? हम देखने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं। तो नाउ आई एम शोइंग यू सम पिक्चर्स एंड यू विल टेल मी विच बॉडी पार्ट्स इज यूजिंग इन दिस एक्शन। इन द फर्स्ट पिक्चर वन गर्ल इज ईटिंग समथिंग। आर यू लुकिंग? One girl is eating something. Which part of body she is using in this picture? Can you tell me? वो किस पार्ट से खा रही है? जब आप फूड ईट करते हो तो बॉडी का कौन सा पार्ट यूज करते हो? आप माउथ से खाते हो ना, अपने मुंह से खाते हो। यस। इन द सेकेंड पिक्चर One girl is playing football. Okay? तो playing football मतलब उसे football से खेलने के लिए वो अपने body का कौन सा part use कर रहे हैं? Leg. She is using leg. In the third picture, one boy is running. Which body part he is using? He is using leg and hand also. Okay, in the fourth picture, one girl is doing study. She is reading a book. And which body part she is using? She is using her eyes and hand. देखने के लिए किस चीज का यूज करते हैं हम? जब आप बुक रीड करते हो तो कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हो? आप आंखों से देखकर पढ़ते हो ना। जब मैम बोर्ड पे कुछ लिखती हैं तो आप किससे देखते हो? अपनी आईज से। सो इन सब पिक्चर्स में आपने देखा कि बॉडी का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है। फर्स्ट पिक्चर में माउथ और हैंड का यूज हो रहा है, सेकंड पिक्चर में
लेग का यूज हो रहा है। थर्ड पिक्चर में लेग एंड हैंड दोनों का यूज हो रहा है, और इन फोर्थ पिक्चर में आईज एंड हैंड का यूज हो रहा है। लेकिन क्या आपने देखा, इन सभी पिक्चर्स में आईज का यूज सब जगह हो रहा है, क्योंकि बिना देखे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन सब में आईज का यूज हो रहा है। अब मैं आपको कुछ और बॉडी पार्ट्स बताऊंगी, क्योंकि हमारे शरीर में तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू सम मोर बॉडी पार्ट्स लाइक शोल्डर्स, हेयर्स, नोज, फिंगर्स। हाउ मेनी फिंगर डू यू हैव? 10 फिंगर्स। स्टमक, यू कैन से टमी, एंड आर्म। जस्ट लाइक देयर आर सो मैनी बॉडी पार्ट्स। नाउ वी विल रीड द चैप्टर। रीडिंग। सभी बच्चे मेरे साथ रीड करेंगे, ओके? ईच, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ईच? ई ए सी एच, ईच पार्ट ऑफ आर बॉडी, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बॉडी? बी ओ डी वाई, बॉडी इज यूजफुल। ईच पार्ट of our body is useful. हमारी body का हर एक part useful होता है। We use different. What is the spelling of different? D I double F E R E N T, different parts of our body to carry. What is the spelling of carry? C A double R Y, carry. Out different actions. What is the spelling of actions? A C T I O N S, actions. We use different parts of our body to carry out different actions. हमारी body के different parts जो हैं वो different action करते हैं। We breathe. What is the spelling of breath? B R E A T H E, breathe. T H R O U G H, throw. R nose. We breathe through our nose. हम किससे सांस लेते हैं? अपनी नोज से. We walk. What is the spelling of walk?
walk, walk, and jump using our legs. Walk means चलना, jump means कूदना. जब आप चलते हैं और बेड से नीचे जंप करते हैं तो आप कौन सा बॉडी का पार्ट यूज करते हैं, किससे जंप करते हैं? लेग से. तो हम लेग से क्या काम करते हैं? चलते हैं और जंप करते हैं. वी ईट यूजिंग आर hands. जब हम खाना खाते हैं तो किसकी हेल्प से खाते हैं, कौन से बॉडी के पार्ट की हेल्प से खाते हैं? अपने हैंड से उठाते हैं, तभी तो माउथ तक जाता है. तो हम खाना खाने में भी हैंड्स का यूज करते हैं. आप सब मेरे साथ एक बार फिर से रीड करेंगे. नाउ यू विल रिवाइज विद मी. Each part of our body is useful. We use different parts of our body to carry out different actions. We breathe through our nose. We walk and jump using our legs. We eat using our hands. Now you will tell me the part of the body which is showing in the picture. These are eyes. How many eyes? Two. These are ears. How many ears? Two. One and two. What is this? Hair. Hair कहाँ पर होते हैं? Hand में? No. Head. H-E-A-D. Head. And what is this? क्या है? Cheek. ये दोनों क्या है? Cheek. What is this? Chin. What is this? Mouth. Mouth के अंदर ये क्या दिखाई दे रहे हैं? Teeth. और mouth के अंदर taste के लिए क्या होती है? Tongue. And this is neck. What is this? Chest. And what is this? Nose. Nose से क्या करते हैं? Smell. And what is this?
स्टमक, जिसको आप टमी भी कहते हो. दिस इज आर्म एंड दिस इज हैंड एंड दीज आर फिंगर्स एंड दिस इज थंब. What is this? Knee. And this is leg. ये हमारे body parts हैं जो हमको किसी ना किसी काम में help करते हैं. इसी प्रकार से हमारे कुछ main body part होते हैं, जैसे कि eyes, ears, nose, skin एंड टंग, जिनसे हमें हमारे चारों ओर की सभी चीजों का पता चलता है. आईज से क्या करते हैं? सी, देखते हैं. ईयर से क्या करते हैं? ईयर से लिसन, कोई भी बात जो सुननी होती है हमें किससे सुनते हैं? ईयर से. और जब कहीं से रोज की जो फ्लावर होता है उसकी जो स्मेल सुननी होती है वो हमें किससे स्मेल का पता चलता है? नोज से. और जब हम पिज्जा खाते हैं और बर्गर खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें किससे पता चलता है? क्या हैंड्स में पकड़ के आप बता सकते हो कि ये कैसी चीज है? खट्टी है, मीठी है, कैसी है? आप सब बता सकते हो? या फिर आइस से बता सकते हो कि ये खट्टी है? नो. टेस्ट का पता हमें किससे चलता है? टंग से. सबके टंग होती है, टंग से हमें किस चीज का पता चलता है? टेस्ट का. और स्किन से हम किसी भी चीज को केवल फील करते हैं, उससे हमें टेस्ट का पता नहीं चलता, उससे हम फील कर सकते हैं कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है. तो ये फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेंस ऑर्गन्स. Can you tell me how many sense organs we have? We have five sense organs. We have five sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. How many sense organs? Five. We have five sense organs. Now we will read the chapter about sense organs. Let me start. We can see, hear, taste, smell, and feel. सेंस ऑर्गन से हम क्या क्या काम करते हैं? वी कैन सी, सी मीन्स देखना. Hear, hear means सुनना. Taste, taste means जैसे हमें पता चलता है कोई चीज कैसी है. Smell, smell means सूंघना. And feel, feel means महसूस करना. Okay? और ये सारे काम हम कौन से body part से करते हैं? Which body part do you use for these functions? Our eyes, ears,
tongue, nose and skin. Help us do these things. See, see हम किससे करते हैं? आई से, ear, ear से, taste, tongue से, smell, nose से and feel, skin से. तो ये इनके क्या है? These are the functions of these body parts. Okay? इन सबको हम क्या कहते हैं? These are called sense organs. ये सब क्या है? हमारे sense organs. ये वो body part हैं जिनसे कोई भी particular काम किया जाता है. These are our sense organs. Tell me how many sense organs? We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. और इनके functions क्या हैं? Eyes से हम क्या करते हैं? See. Ear से hear. Nose से smell. Tongue taste. And skin से feel. Now this is the chapter of our body. Now you will read these lines at your home very carefully and I will give you some exercise, but you will do these exercise only oral basis. Today there is no written work, only oral work is there. अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ. राइट द नेम्स ऑफ सेंस ऑर्गेन्स बीइंग यूज्ड टू डू दीज एक्शंस. पिक्चर को देखकर आप ये बताएंगे कि उस वर्क को करने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गेन्स यूज हो रहा है. ओके, पिक्चर नंबर 1. वी सी विथ आवर We see with our eyes. Yes. Number 2. We hear with our. जल्दी जल्दी सोचिए सब कि सुनने के लिए हमें कौन सा सेंस ऑर्गेन्स यूज करना होता है. जल्दी. Yes. Ear. We hear with our ears. Number 3. We taste with our. किससे टेस्ट करते हैं? सोचो जल्दी से. Tongue. We taste with our tongue. Next picture. We smell with our. किससे smell करते हैं? Yes, nose से. We smell with our nose. Next picture. We feel with our. हमें किससे फील करते हैं? क्या आईज से फील कर सकते हैं? ईयर से कर सकते हैं? नो. किससे करते हैं? स्किन से. वी फील विथ
आर स्किन। तो आपको पिक्चर देख के लगा कि विच बॉडी पार्ट्स वी यूज टू डू दीज एक्शंस। ओके, आपने जो ये पिक्चर्स देखी, क्या आपने ये नोटिस किया कि इसमें किसका यूज है? हमारे फाइव सेंस ऑर्गेन्स का। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गेन्स हैं? फाइव। और इन सभी पिक्चर्स में उन फाइव सेंस ऑर्गेन्स का यूज हो रहा है। नाउ दिस इज योर ओरल एक्टिविटी। किसी को भी कॉपी में नहीं लिखना है, दिस इज ओनली फॉर ओरल। इससे सिर्फ मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने स्टडी अच्छे से की है या नहीं की है। आपको केवल ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर वन, वी हैव थ्री आईज, दिस इज राइट। आपके तीन आंखें होती हैं, राइट? नो, कितनी आंखें होती हैं हमारी? टू आईज। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर टू, वी हैव टू हैंड्स। हमारे टू हैंड्स होते हैं कि फोर हैंड्स होते हैं? टू, यस, वी हैव टू हैंड्स। कितने हैंड्स होते हैं? टू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वी हैव फोर लेग्स। हमारे चार टांगे होती हैं, हमारे फोर लेग्स होते हैं? नो, फोर लेग्स किसके होते हैं? एनिमल्स के। हमारे कितने लेग्स होते हैं? वी हैव टू लेग्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर फोर, वी हैव वन हेड। वी हैव वन हेड, हमारे एक सिर होता है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ यू विल रीड द चैप्टर ट्वाइस एट होम। आई एम गिविंग यू लाइन्स and you will read at home. Okay, bye.